हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोन चैनल डेली स्टॉक। सो यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं गोयनका बिजनेस कंपनी के बारे में। यह कंपनी क्या काम करती है, क्या बिजनेस प्रोजेक्ट है और क्या पॉसिबिलिटी रह सकती है इस बिजनेस के अंदर लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए, तो उन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हम इसी वीडियो में। सो यहाँ पर आप जो है वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और उसके साथ साथ में अगर आपने अभी तक हमारे चैनल इस डेली स्टॉक को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। सो लेट्स बिगिन। तो यहाँ पर तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कंपनी के बारे में। इट्स गोयनका बिजनेस एंड फाइनेंस, जो एक ऐसी कंपनी है जो यहाँ पर बिजनेस के कारण थ्रू बिजनेस ये कंपनी जो है प्रोवाइड करती है सिक्योर्ड एज वेल एज अनसिक्योर्ड लोन्स, एडवांसेस एंड इन्वेस्टिंग इन सिक्योरिटीज के रिलेटेड जो भी फंडिंग होती है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि फाइनेंशियल बेस्ड कंपनी है तो उसी के थ्रू जो है ये कंपनी जो है फाइनेंस प्रोवाइड करती है सिक्योर्ड एज वेल एज अनसिक्योर्ड लोन्स जो होते हैं वो, और उसी के थ्रू जो है इस कंपनी के जो इंटरेस्ट रेट्स होते हैं उसके ऊपर ये कंपनी पैसा कमाती है और उसी के थ्रू इस कंपनी का जो है बिजनेस चलता है। तो ये हमने आपको बताया कि कंपनी क्या काम करती है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स कंपनीज के डेटा जो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। सो यहाँ पर इस कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है 23.88 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है और डिविडेंड यील्ड यहाँ पर इस कंपनी का 0.00%। फेस वैल्यू निकल कर आती है शेयर की 10 रुपीज़ और बीटा निकल कर आता है -0.05, जो कि यहाँ पर मैं बताता है कि यहाँ पर अगर इंडेक्सेस 1% बढ़ते हैं तो इस शेयर के अंदर यहाँ पर हमें जो है -0.05% जो है गिरावट देखने को मिल सकती है और वाइस वर्सा सिचुएशन में इस शेयर के अंदर मोमेंटम देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज इंडस्ट्री प्राइस टू अर्निंग। तो यहाँ पर जो इंडस्ट्री का प्राइस टू अर्निंग है वो है 55.76। अगर उसके कंपैरिजन में अगर हम शेयर का प्राइस टू अर्निंग देखें तो वो है 8.13 के प्राइस टू अर्निंग पे शेयर जो है यहाँ पर हमें ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहा है। प्राइस टू बुक के हिसाब से अभी भी शेयर जो है कितना ज़्यादा ओवर वैल्यूड नहीं है, दैट इज इस शेयर की जो बुक वैल्यू स्टैंड करती है वो है 21.86। अगर उसके मुकाबले अगर हम शेयर का प्राइस देखें तो काफ़ी अच्छा जो है चल रहा है और प्राइस टू बुक निकल कर आती है 0.84 के नियर बाय पर। कंपनी के यहाँ पर अगर हम परफॉर्मेंस के ऊपर अगर फोकस करें तो 2020 और 2021 के अंदर आप देख सकते हो कि कंपनी जो रेवेन्यू है वो यहाँ पर ट्रिमेंडस वे में जो है ऑलमोस्ट 4 टाइम्स यहाँ पर 2020 से 2021 के अंदर यहाँ पर बढ़कर हो चुके हैं 186.49 करोड़ रुपीज़। और जो कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी, जो कि पिछले साल कंपनी ने लॉस किया था 1.39 करोड़ रुपीज़ का और इस साल जो है कंपनी ने 0.44 करोड़ का जो है 44 लाख रुपीज़ का ऑलमोस्ट आई गेस कि यहाँ पर कंपनी ने प्रॉफिट किया है। बट यहाँ पर कंपनी ने पिछले 3 क्वार्टर में किस तरह की इनकम की है, अगर ये जो रेवेन्यू देखने को मिल रहा है वो अदर इनकम नहीं है तो मेरे हिसाब से वो काफ़ी अच्छी और काफ़ी इंटरेस्टिंग बात होगी। तो उसके बारे में जो है मेन फर्दर फ्यू वीडियो यहाँ पर, अगर हम वीडियो को कंटिन्यूशन में अगर आप यहाँ पर देख रहे हो तो उस अभी थोड़ी ही देर में जो है हम उस सेक्शन पे आने वाले हैं। नेक्स्ट इज शेयर होल्डिंग पैटर्न। सो शेयर होल्डिंग पैटर्न देखे तो इतना ज़्यादा अच्छा है, यहाँ पर पर्सनली बोलता हूँ कि इतना अच्छा जब जो शेयर होल्डिंग पैटर्न होना चाहिए कंपनी का वो देखने को नहीं मिल रहा है। बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर इस कंपनी का मार्केट कैप ही है 23 करोड़ का और उस 23 करोड़ के अंदर ओनली 2 से लेकर 3-4 जो करोड़ का जो मार्केट कैपिटलेशन है वही कंपनी के प्रमोटर के पास है। बाकी का जो भी इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर पब्लिक इन्वेस्टमेंट, मतलब आप जैसे और मेरे जैसे रिटेल कैटेगरी इन्वेस्टर्स होते हैं उन लोगों द्वारा किया गया हुआ है। तो वो मेरे आपसे इतनी ज़्यादा बेहतरीन बात नहीं है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या फिर इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखें। तो नेक्स्ट इस कंपनी के रेवेन्यू स्टेटमेंट। तो रेवेन्यू स्टेटमेंट के ऊपर का यहाँ पर फोकस करते हैं तो ये हमें बता था कि कंपनी के यहाँ पर मार्केट में जितनी भी इनकम होती है उस इनकम के ऊपर यहाँ पर कंपनी जो है कितना प्रतिशत प्रॉफिट कमाती है। तो मार्च 2021 में जो कि हमें चीज़ देखनी थी कि अदर इनकम तो नहीं है, तो यहाँ पर सबसे अच्छी बात है कि कंपनी अदर इनकम जीरो देखने को मिल रही है। सो कंपनी की जो भी बिजनेस है उसी के थ्रू जो है यहाँ पर हमें सेल्स देखने को मिल रहा है। सो दैट इज़ द बेस्ट थिंग। टोटल इनकम 2021 मार्च में 110 करोड़ रुपये और नो प्रॉफिट नो लॉस नेक्स्ट इज जून 2021 तो यहाँ पर था कंपनी 264 करोड़ रुपीज़ का जो है कंपनी टोटल इनकम हुई थी और यहाँ पर कंपनी ने 1 करोड़ रुपीज़ का जो है प्रॉफिट कमाया है। नेक्स्ट इज सितंबर 2021 अगर देखते हैं तो यहाँ पर 719 करोड़ का जो है कंपनी टॉप लाइन और उसके ऊपर यहाँ पर जो है कंपनी ने 1 करोड़ रुपये का प्रॉफिट कमाया है। आई डोंट नो कि यहाँ पर जो है कंपनी का रेवेन्यू इतने ज़्यादा तगड़े देखने को मिल रहा है बट प्रॉफिटेबिलिटी जो होती है जो दिखनी चाहिए वो यहाँ पर अभी तक हमें देखने को नहीं मिल रही है। तो इसका जो रीज़न है कि यहाँ पर कंपनी फाइनेंशियल बेस्ड कंपनी है तो यहाँ पर जो प्रॉफिटेबिलिटी जो कम इंटरेस्ट रेट के साथ काम होता है आई पर्सनली थिंक कि उस बेस में कंपनी काम करती है और मैन पावर जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। तो उसके कारण जो है यहाँ पर आप देख लो कि क्लियरली कंपनी टोटल एक्सपेंडिचर्स काफ़ी ज़्यादा ट्रेमेंडस यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं।
नेक्स्ट इज रिटर्न रेशियो। तो ऑफकोर्स यहाँ पर जिस तरह का मार्जिन है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कंपनी रिटर्न रेशियो इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं होंगे, तो ये तो चीज़ है ये आपको पहले से पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर कंपनी अगर हम यहाँ पर रिटर्न ऑन नेटवर्थ या फिर रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज देखें तो ये हमें पता था कि कंपनी के पास यहाँ पर मार्केट में जितना भी इक्विटी बेस अवेलेबल है उस इक्विटी बेस अवेलेबल होने के बाद यहाँ पर कंपनी ईयरली बेसिस पर कितने प्रतिशत जो है प्रॉफिट कमाती है। तो वो था इस कंपनी का मार्च 2019 के अंदर -2.99%, मार्च 2020 के अंदर -5%, एज वेल एज मार्च 2021 के अंदर 1.56% का यहाँ पर जो है कंपनी का ROE परसेंटेज देखने को मिल रहा है। सेकेंड इज ROCE, दैट इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ये हमें पता था कि कंपनी के पास अब मार्केट में जितना भी कैपिटल बेस अवेलेबल इज मिक्सचर ऑफ बोथ दैट इज डेट एज वेल एज इक्विटी, तो उसके ऊपर यहाँ पर कंपनी ईयरली बेसिस पर कितना प्रतिशत प्रॉफिट कमाती है। तो वो था इस कंपनी का मार्च 2019 के अंदर -2.91%, मार्च 2020 के अंदर 30.61% और मार्च 2021 के अंदर 68.51% का बेहतरीन ROCE देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट इस कंपनी के ROA परसेंटेज अगर देखते हैं तो ये हमें बता रहे कि कंपनी के पास हमें मार्केट में जितना भी एसेट बेस अवेलेबल है उस एसेट बेस अवेलेबल होने के बावजूद यहाँ पर कंपनी ईयरली बेसिस पर कितना प्रतिशत प्रॉफिट कमाती है इस एसेट्स के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर ये हमें देखने को मिल रहा है कि कंपनी का मार्च 2019 में था -2.47%, जो कि यहाँ पर मार्च 2020 में भी था -0.79 और अभी जो है यहाँ पर पॉजिटिव सेंटीमेंट में आकर हो चुका है 0.2 के परसेंटेज फॉर्म में। तो यहाँ पर जो कंपनी के रिटर्न रेशियो है उसके ऊपर तो यहाँ पर हमने फोकस कर लिया है। नेक्स्ट थिंग इस कंपनी का डेट टू इक्विटी। तो यहाँ पर जो है जो चीज़ यहाँ पर आपको फोकस करनी चाहिए वो ये है कि कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, मार्केट शेयर है, वो काफ़ी कम है, बट फिर भी यहाँ पर कंपनी ने कोई भी डेट नहीं लिया है। ऑल्दो ये कंपनी फाइनेंशियल बेस्ड कंपनी है फिर भी यहाँ पर कंपनी का डेट देखने को नहीं मिल रहा है। सो ये मेरे से काफ़ी अच्छी बात है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो पर परसेंटेज है वो भी अगर आपको जो है बढ़ते हुए देखने को मिला कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर, जो कि यहाँ पर मैं बताता था कि कंपनी का कैपेसिटी मार्केट में इंटरेस्ट पे करने की, तो ये मैं बताता कि कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो परसेंटेज तो ये भी जो था मार्च 2019 में था 76.35%, मार्च 2020 के अंदर यह हो चुका था 0.81% और मार्च 2021 के अंदर बढ़कर हो चुका 1.01%। तो यहाँ पर जो कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो परसेंटेज है वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से जो है इम्प्रूव हो रहा है। अगर हम 5 साल की हाई प्राइस की बात करें तो इसका जो ऑल टाइम हाई प्राइस है वो 104 रुपये और करेंटली 0.4 पे चल रहा है, और अभी अगर शेयर के बारे में बात करूँ तो काफ़ी अच्छी तेज़ी है यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। सो ऑल दो यहाँ पर 18.37 पे चल रहा है और कंपनी बिजनेस टोटल एकदम काफ़ी बेहतरीन लग रही है, तो मेरे पर्सनल ओपिनियन के हिसाब से शेयर के अंदर अच्छी खासी तेज़ी जो है ब्रेकआउट जो है टेक्निकल बेसिस पर कहते हैं तो वो भी देखने को मिल चुका है। सो तेज़ी के संकेत काफ़ी ज़्यादा है, 30, 40, 50 तक भी ये शेयर जा सकता है। ऑल दो डिपेंड होगा कि यहाँ पर आपके जो शेयर है वो बाय होते हैं या नहीं, बिकॉज यहाँ पर अपर सर्किट लगते हुए आपको मार्केट में देखने को मिल रहा है। सो डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टेंसेस यहाँ पर आप जो है इस कंपनी में निवेश कर सकते हो। कंपनी टोटल इनकम काफ़ी तगड़ी है, बट जो चीज़ दिक्कत यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है वो है कि यहाँ पर पब्लिक इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है कंपेयर टू द दैट इज कंपनी के जो प्रमोटर्स उनके इन्वेस्टमेंट्स के ज़्यादा, तो वो मेरे आपसे थोड़ी बहुत नेगेटिव बात हो सकती है। तो उसके लिए यहाँ पर आप जो है स्टॉप लॉस भी मेंटेन करके रखिएगा अकॉर्डिंग टू रिस्क कैपिटल 5 से 10% का यहाँ पर जो है हमें स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना पड़ेगा। सो होप करता हूँ कि आपको गोइंग का बिजनेस एंड फाइनेंस लिमिटेड कंपनी के बारे में यहाँ पर हमने आपको जिस तरह समझाया वो यहाँ पर आपको अच्छे से पता चल गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और माय चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।